सिंगरौली में पुलिस ने एक युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा दी है। युवक निषाद की हत्या उसी के ही दोस्त ने की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मोरवा में चटका के समीप जंगल में 8 नवंबर को दीपक निषाद की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पंकज पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का खुलासा करते हुए मोरवा SDOP राजीव पाठक ने बताया कि 4 दिन पूर्व ही दीपक निषाद की हत्या की गई थी। उन्होंने बताया कि इससे 1 दिन पूर्व ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अंतिम बार मृतक अपने मित्र पंकज पांडे के साथ देखा गया था। पुलिस ने इस मामले में एक टीम अनपरा भेजकर परासी से पंकज को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जहां पूछताछ के दौरान पंकज ने हत्या करना कबूल कर लिया। 4 तारीख को दीपक निषाद नामक युवक के गुम होने की सूचना थाना मोरवा में दर्ज की गई थी। जिस संबंध में तत्काल पुलिस बल को रवाना किया गया था और संबंधित स्थानों में पूछताछ की जा रही थी। परिजनों ने जिस पंकज पांडे नामक युवक पर शक जाहिर किया था, उसे नेक्स्ट डे पकड़कर और उसके द्वारा बताई गई स्टोरी को तस्दीक करने के लिए सभी लोगों के पास भेजा जा रहा था। इसी दौरान पुलिस जब जांच के दौरान एक जंगल के समीप से गुजर रही थी, तेज दुर्गंध उसके पास आई, जिसके कारण पुलिस ने वहां पे जाके तस्दीक किया और पाया कि वहां पे दीपक निषाद की लाश लगभग 4-5 दिन पुरानी पड़ी हुई है। इस आधार पर आके संदेही से और अधिक गहन पूछताछ की है, जिसमें दोनों के द्वारा नशे के दौरान मारपीट करना बताया गया और इसी मारपीट के दौरान एक प्रहार ऐसा कर दिया गया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। यही तथ्य सामने आए हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।